हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है और चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। नाउ सी द क्वेश्चन। ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि बी डी इक्वल टू ए सी एंड थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। मतलब देखिए, ए बी सी डी ये क्या है, एक क्वाड्रेटल है जिसमें ए डी और बी सी का वैल्यू, साइड ए बी और बी सी का वैल्यू सेम है और एंगल डी ए बी इसका ये एंगल और सी बी ये एंगल क्या है, बराबर है। तो बोलता है कि प्रूव दैट एंगल ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल किसका कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ए सी। ये ट्रायंगल तो देखिए, तो ए बी डी और बी ए सी का हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम क्या लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल क्या हो गया, बी ए बी डी एंड ट्रायंगल बी बी ए सी। ट्रायंगल बी ए सी, ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं ये और ये। तो देखिए, हमको क्या गिवन था, दैट इज गिवन मेरा क्या दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी दिया है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स में क्या दिया है, गिवन। ठीक है, दूसरा कौन सा है मेरा, दूसरा जो ये एंगल है और ये एंगल बराबर दिया है। तो मतलब एंगल एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी मेरा क्या है, गिवन मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस ट्रैंगल्स में क्या है, बी ए, बी ए क्या मेरा कॉमन आ रहा है, या बी ए और ए बी इज इक्वल टू ए बी हम क्या लिखेंगे, कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है। अब देखिए, ये साइड और ये एंगल, तो क्या ट्रैंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैंगल कौन सा, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट बी ए सी, कौन सा प्रॉपर्टी से, बाय बाय कौन सा, बाय देखिए साइड एंगल, साइड बाय एस ए एस, बाय एस ए साइड एंगल, साइड से क्या है, ये दोनों ट्रैंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा जो बोल रहा था कॉन्ग्रुएंट, वो हम प्रूव कर दिए। अब बोल रहा है कि बी डी इक्वल टू ए सी, तो देखिए इस दो ट्रायंगल में बी डी और ए सी इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय क्या हो गया, सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि देखिए, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ए बी डी मतलब ए बी डी जो ये ट्रायंगल में, तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी होगा, क्या होगा, ए बी बाय सी पी सी टी। तो यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।